हाय व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल माइना स्टाइल कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज मैंने नीम पत्ते के साथ बालों के लिए एक टिप बताऊंगी। इस होम रेमेडी के लिए सबसे पहले नीम पत्ते लेना है। नीम पत्ते को अच्छी तरह से धो लीजिए। धोने के बाद ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा वाटर ऐड करके नीम पत्ते का जूस रेडी करना है। मैंने नीम पत्ते का जूस रेडी किया, इसको एक बाउल में लेना चाहिए। इसमें नींबू का रस ऐड कीजिए। एक काटे हुए नींबू का रस इसमें डालना है। इसमें 2 चम्मच ऑलिव ऑयल ऐड कीजिए। ये सब चीजों की अच्छी तरह से मिला दीजिए। फ्रेंड्स, नीम पत्ते में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रहती है। नीम पत्ते इन्फेक्शंस के लिए बहुत ही अच्छी मदद करती है। नीम पत्ते स्कैल्प इन्फेक्शंस, डैंड्रफ प्रॉब्लम्स को दूर करती है। इसके साथ सर के जुओं को हटाने के लिए ये बहुत ही मदद करती है। और इसमें मैंने मिलाया ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल बालों की पोषण देने में मदद करती है। लंबे घने मोटे बाल बनाने के लिए ऑलिव ऑयल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑलिव ऑयल बालों की रूट्स को स्ट्रेंथन करती है। इसकी वजह से लंबे घने मोटे बाल मिलती है और हेयर फॉल भी दूर हो जाती है। और मैंने इसमें मिलाया नींबू का रस। नींबू का रस में विटामिन सी, सिट्रिक एसिड रहती है। ये दोनों स्कैल्प इन्फेक्शंस, डैंड्रफ प्रॉब्लम्स को दूर करती है। नेचुरली बालों की शाइन देने में ये मदद करती है। ये सब चीज़ों डैमेज्ड बालों की रिपेयर करने के लिए, सारी हेयर फॉल प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शंस को दूर करने के लिए बहुत ही मदद करती है। ऐसा ये तीनों चीज़ों की अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद इसको स्कैल्प पर पूरी बालों पर अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद 1 घंटे तक ऐसे रहने दीजिए। 1 घंटे होने के बाद किसी भी हर्बल शैम्पू के साथ वॉश कीजिए। फ्रेंड्स, ऐसा हफ्ते में 1 से 2 बार आप इसको यूज़ करना है। ऐसा यूज़ करने से आपकी सारी इन्फेक्शंस, डैंड्रफ प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं और आपकी हेयर फॉल प्रॉब्लम भी रिड्यूस हो जाती है। हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए भी ये बहुत ही मदद करती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर मेरी वीडियो आपकी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।